वेरी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू द रिलीजन। रिलीजन के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है या किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है तो वो भी एक अपराध माना जाता है इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग। तो आईपीसी ने सेक्शंस प्रिस्क्राइब किए हैं, सेक्शन 295A towards 298 ऑफ आईपीसी। जो सारे सेक्शंस हैं ये सिर्फ रिलेटेड टू द रिलीजियस फीलिंग्स के रिगार्डिंग है। अगर कोई भी पर्सन किसी की फीलिंग्स रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है तो वो इस चैप्टर के अंदर वो जो है वो कवर होता है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इट इज 15th चैप्टर ऑफ द इंडियन पैनल कोड। तो बिना हम लोग वेस्ट किए टाइम एक बात मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि आज हम लोग इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज द राइट ऑफ द डेड पर्सन। अगर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है उस पर्सन के राइट की रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 297 में कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसको कवर किया जाता है डेड पर्सन के अकॉर्डिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्रिटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा एज यूजुअल हम लोग कहते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेरेट लैंग्वेज, बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है 295A, वहां पर बोल लिखा डेलिबरेटली और मैलिशियसली एक्ट। आपकी इंटेंशन है कि आपने आउटरेज करनी है रिलीजियस फीलिंग को किसी भी क्लास की By insulting its religion or religious belief, जहां उनकी religious को आप hurt कर रहे जाते हो उसकी feelings को, जहां उनके जो religious beliefs हैं आप उनको hurt कर रहे जाते हो, तो ये आपकी maliciously deliberately intention है कि आपने वो hurt करना ही करना है। तो section 295A में cover होता है like whoever with deliberate or malicious intention of outraging the religious feeling of any class of citizen of India, यहां पर बोल लिखा citizen of India। तो citizen of India की कोई भी class like मैं सिर्फ सिख मुस्लिम राइट जैन हिंदू इनकी बात नहीं कर रहा, कुछ कम्युनिटी की कुछ अपने रिलीजन्स भी होते हैं, कुछ ट्राइब्स के अपने रिलीजन्स भी होते हैं, ऑल दो वो हिंदू है लेकिन उनके कुछ अदर रिलीजन्स भी होते हैं वो उनको कवर करते हैं। हिंदू एक सिख मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन ये एक अलग बात है, लेकिन उनके फर्दर जो रिलीजन्स होते हैं कुछ ट्राइब्स के जो, अब हम उनकी भी बात जो है उसका उसमें कवर करें। यहाँ पर इसलिए वर्ड है क्लास ऑफ पर्सन लिखा है, तो कुछ persons की जो अपने religions भी होते हैं उनकी belief भी होते हैं आप उनकी feelings को hurt नहीं कर सकते। And if you do so, कोई भी आप किसी भी तरीके से चाहे आप by word use कर रहे चाहे spoken या written में या sign या through visible representation के through आप insult करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपने insult कर दी religious belief की या उनके religious feelings की आपको hurt कर दी तो आपकी punishment which may extend to 3 years and definitely यहाँ पर और fine और with both हो सकता है। As usual 295A जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉरी मैं 295A मैंने पहले करवा दिया, अब 295 बाद में कर लें। चलो 295A जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 295A जो है वो पहली बात तो जो पुलिस ऑफिसर्स है वो बहुत रेयर लगाते हैं, लेकिन अगर वहां पर उनके कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट जो उन्हें FIR में लिखाई है अगर उनसे लगता है कि हमें 295A अट्रैक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 295A कोड कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी 295A में, तभी जो उसकी चार्जशीट जो है 295A के सेक्शंस में वो कोर्ट में दायर कर सकती है। अदरवाइज विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट उस सेक्शंस में चार्ज लगाएगी नहीं अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि जब भी 295A का ऑफेंस बनता है तो इट इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू गेट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन मिल गई उसके बाद ही वो चार्जशीट 295A में दायर कर सकता है और उसके बाद ही कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती। पीछे आते हैं 295 सेक्शन में, 295 कहता है बरियल वहां पर वर्ड लिखा है इंजरिंग वो लिखा है और डिफाइनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप। 295A में हम लोग रिलीजियस फीलिंग की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, कोई जगह की बात कर रहे हैं जो प्लेस है हमारी वर्शिप की। विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजियस ऑफ एनी क्लास आप उस जगह को जो है वो डिफाइल कर रहे हैं या उसको इंजर्ड कर रहे हैं, लाइक जैसे बाबरी मस्जिद हुई थी हमारी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीछे काफी मंदिरों में अटैक हुआ, कहीं फिर गुरुद्वारों में अटैक हुआ तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है हमारी वहां पर अटैक किया गया है। नेचुरल है कि वहां पर 295A अट्रैक्ट हुआ क्योंकि वहां पर डिफाइलिंग हो रही है,
प्लेस ऑफ वर्शिप को जो है वो कहीं ना कहीं उसको डिफाइल किया गया है, उसको इंजरी दी गई है, चाहे वो किसी भी तरीके से इंजरी दी गई हो, उनकी दीवारों को इंजरी, उनके विंडोज को, उनके मेन गेट को अगर इंजरी दी जा रही है, किसी भी तरीके से अगर प्लेस ऑफ वर्शिप को इंजरी दी जा रही है, तो सेक्शन 295A अट्रैक्ट होगा, जिसकी पनिशमेंट 2 years और विद फाइन और विद बोथ है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट। टू यहां पर हम लोग 295 भी हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट? तो 295A और 295A में फर्क क्या है? 295 और 295A में, 295A में सैंक्शन की जरूरत है। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। और मोर ओवर वहां पर फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग की बात की गई है 295A में, जबकि 295 में हम लोग प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, हम लोग उसको इंजरी दे रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। 296 की अगर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वर्ड लिखा है अगर आप रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हो, नेचुरल है, किसी मंदिर में काफी इकट्ठ हुआ है, लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वहां पर पूजा चल रही है, असेंबली है, वहां पर हम लोग असेंबल होकर बैठे हैं, शांतमयी ढंग से बैठे हैं, अगर कोई पर्सन उस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहा है, 296 अप्लाई होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलीजियस असेंबली, किसी भी सेरेमनी के लेके अगर वो इकट्ठे हुए हैं, कोई भी रिलीजियस के लोग, चाहे वो सिख है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, व्हाटएवर जो भी है, अगर वो इकट्ठे हुए हैं अपनी सेरेमनीज को लेकर, रिलीजियस सेरेमनीज को लेकर, और अगर आप उन असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यू आपने ऑफेंस कमिट कर दिया 296 में। तो वहां पर बोलेगा हुआ वॉलंटरली कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली, यहां पर सिर्फ डिस्टर्बेंस एक ऑफेंस है, डिस्टर्बेंस आप कर रहे हो किसको, असेंबली को, जो लॉफुली वहां पर इकट्ठी हुई है ताकि वो परफॉर्म कर सके अपनी रिलीजियस वर्शिप को, रिलीजियस सेरेमनीज को, और आपने अगर ऐसा किया है तो आपको 1 साल और फाइन और विद बोथ हो सजा हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो स्टूडेंट्स ज्यादातर टेक्निकली ग्राउंड पे इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाते, दैट इज सेक्शन 297। वहां पर वर्ड लिखा है बरियल प्लेसेस, बरियल प्लेसेस, लेकिन 297 में कवर किया गया राइट ऑफ द डेड पर्सन। अब डेड पर्सन वो बरियल प्लेस तो है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इन सेक्शंस के बारे में भी बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ केस लॉज है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। 297 क्या कहता है, 297 का इंपॉर्टेंट खासियत है कि हम लोग सेकंड पैरा जो है, सेकंड पैरा में वहां पर लिखा है कमिट एनी ट्रेसपास, तो इस कमिट एनी ट्रेसपास को हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वाले पैरा से। तो वहां पर लिखा विद इंटेंशन ऑफ वाउंडिंग द फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, ये एक फर्स्ट पॉइंट है, वाउंडिंग द फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, जोड़ेंगे किससे, सेकंड पैराग्राफ से, कमिट एनी ट्रेसपास, फिर वापिस इंसल्टिंग द रिलीजियस ऑफ एनी पर्सन, कमिट एनी ट्रेसपास, विद द नॉलेज ऑफ द फीलिंग ऑफ एनी पर्सन आर लाइकली टू बी वाउंडेड, कमिट ट्रेसपास, that are religious of any person is likely to insulted thereby commit trespass। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस इंटेंशन से हम लोग ट्रेसपास कर रहे हैं, कहां पर, प्लेस ऑफ वर्शिप में, जहां किसी भी प्लेस ऑफ स्पेल्चर के वहां पर हम लोग ट्रेसपास कर रहे हैं, या कोई भी प्लेस जहां पर फ्यूनरल राइट्स जो है वो होने वाले हैं, या डिपॉजिटरी होने वाली है फॉर द रिमेन ऑफ डेड बॉडी, डेड के रिगार्डिंग, या ऑफर एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, दिस इज अ लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, offers any indignity to human corpse, ये उसमें कवर होता है हमारा right of dead person। Human corpse को अगर हम लोग indignity से deal कर रहे हैं तो ये हमारा यहां पर violation है right of the dead person का, right of the dead person। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जब causes disturbance to any person जो assembled हुए हैं उन funeral rites को लेके, funeral ceremonies को लेके, अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आप punishment जो है आपको हो सकती है 1 year की और with both और with fine, फाइन वो हो सकता है। तथा जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर हमने राइट ऑफ द डेड पर्सन की बात की है, तो राइट ऑफ द डेड पर्सन भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ राइट ऑफ द डेड पर्सन को लेके, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो वहां पर यूज किया गया है, राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, मरना है तो वो भी डिग्निटी से मरना है। उसमें एक और पार्ट इंक्लूड किया गया राइट आर्टिकल 21 में, इट इंक्लूड्स द राइट टू हैव अ डिसेंट बरियल, मेरा अंतिम संस्कार क्रियाकर्म भी मेरा डिसेंट तरीके से किया जाए, ये भी 21 का पार्ट है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास केस हुआ था अश्रे अभिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी होमलेस पर्सन है जिनकी रास्ते में डेथ होती है, ऑन रोड डेथ होती है, सड़कों पर पाए जाते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, तो भाई उनका भी डिसेंट बरियल का राइट एज इट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है।
आप उनके रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग उनको उनका जो बरियल है जो लास्ट जो सेरेमनीज है उनकी वो परफॉर्म करोगे. इट इज़ द ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और हमारे इस कोविड के टाइम पे कोरोना के टाइम पे नंबर ऑफ डेड बॉडीज है जिनको बेसिकली ये डिसेंट बरियल को जो राइट है वो उनको छीन लिया गया है. तो इंस्पाइट ऑफ डैट की सू मोटो भी एक्शन लिए गए हैं कोर्ट्स द्वारा कि भाई इनका जो अंतिम संस्कार या अंतिम क्रिया कर्म होना चाहिए वो डिसेंट तरीके से होना चाहिए. यू कैन नॉट मतलब आप उसको उसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक नहीं सकते. ये 21 में भी इंक्लूड है और इस केस में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है. देन अनदर केस मिसेस पट शर्पे वर्सेस दविजेंद्रनाथ बोस. सुभाष चंद्र बोस दविजेंद्रनाथ बोस. इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई अगर नेताजी हमारे नहीं जिंदा अगर उनकी डेथ हो चुकी है इज अ डेड पर्सन इन स्पाइट ऑफ डैट कि इट इज अ डेफामेशन बिकॉज इंप्यूटेशन वुड हैव हार्म्ड द रेपुटेशन ऑफ अलाइव. इफ अलाइव इंप्यूटेशन मस्ट बी सेड टू हैव बीन इंटेंडेड टू बी हार्मफुल टू द फीलिंग ऑफ द फैमिली और अदर रिलेटिव्स. अगर नेताजी जिंदा होते तो अगर आप उनको रेप्यूटेशन की उनको हर्ट करते हो वो डेफामेशन था. अब वो नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ डैट भाई अगर उनके अगेंस्ट आपने कोई वर्ड्स बोले हैं जो रेपुटेशन की हर्ट कर रहे हैं फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं उनकी फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है 499 का केस जो है वो दायर हो सकता है. 499 इट्स आ डेफामेशन राइट. तो 500 इंडियन में अमाउंट पनिशमेंट दी गई है. 500 का केस जब वो भी आपका एज इट बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ केस लॉज भी यहाँ पर सॉरी जो मैंने डिस्कस किए हैं वो आपके साथ यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं 297 341 404 499 188 503 ऑफ इंडियन पेनल कोड. नाउ थिंक एक टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शंस. अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है नॉर्मल हमारे होता है कि हमें उनकी डेड बॉडी को रोड पे रख के जो है वो जो है हम लोग धरने पर बैठ जाते हैं राइट धरने पर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं. अभी हम तो तब तक जब तक हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम इसकी डेड बॉडी को जो है वो अंतिम संस्कार या क्रिया कर्म नहीं करेंगे. इनस्पाइट ऑफ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई इसका जो है क्रिया कर्म कर दो इसको संस्कार इसको कर दो इसकी लास्ट जो सेरेमनीज है उसकी परफॉर्म कर दो. पब्लिक सर्वेंट ने भी कह दिया पुलिस वाले आकर वो भी कह रहे हैं कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दो क्योंकि काफी दिन से वो उसकी डेथ हो चुकी है तो आप इसकी जो डेड बॉडी है उसको ऐसे नहीं रख सकते वो डिकम्पोज होने लग जाती है. तो यहां पर अगर उनकी हुक्मों को नहीं माना गया उनके ऑर्डर को नहीं माना गया तो 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिसोबेडेंस टू द ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. तो अगर आपने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना तो ये अट्रैक्ट होगा 188. और कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो लोग इकट्ठे होते हैं वो थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम यहाँ पर आग लगा देंगे हम व्हाटएवर बसों को तोड़ फोड़ देंगे वहां पर हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे. इट इज अ थ्रेट इट इज अ क्लियर कट थ्रेट विच इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पेनल कोड. इंपॉर्टेंट अगर कोई डेड पर्सन है अगर आप उसकी डेड बॉडी से कुछ चीज रिमूव कर लेते हो लाइक सपोज गोल्ड था उसके राइट रिंग्स वगैरह थी आपने रिमूव कर ली इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 ऑफ द इंडियन पेनल कोड. ये इंपॉर्टेंट है 404 डेफामेशन हमने कवर कर ली 188 कवर कर लिया 503 हमने कवर कर लिया रहा 341. अब वो पर्सन उसकी डेड बॉडी को लेके ऑन रोड बैठे हैं हाईवे पे और उनको उन्होंने बिल्कुल हाईवे ब्लॉक कर दिया दैट मींस आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो वहां से जाने के लिए तो 341 ऑफ द इंडियन पेनल कोड भी आपके साथ अट्रैक्ट होगा. ये इंपॉर्टेंट है. नेशनल हाईवे एक्ट सेक्शन 8 सब क्लॉज बी वो भी अट्रैक्ट होगी क्योंकि आपने नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके रखा है. ये इंपॉर्टेंट है 297 क्योंकि बेसिकली नेशनल हाईवे को आप इंजरी नहीं दे सकते और अगर आप उनको ब्लॉक कर रहे हो तो ये एक इंजरी है क्योंकि लोग वहां से जिनको राइट है वहां पर पास आउट करने का वहां उस रास्ते को यूज करने का आप उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो तो इट्स अ काइंड ऑफ इंजरी टू द नेशनल हाईवे आल्सो. तो नेशनल हाईवे एक्ट अकॉर्डिंग सेक्शन 8 सब क्लॉज बी के अंदर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो. देन सेक्शन 297 अगर उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो भाई उसकी इंसल्ट हो रही है. तो हम लोग यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केस लॉ में कि यहां पर जो डिसेंट बरियल का जो राइट है वो उस पर्सन का है जिसकी डेथ हो चुकी है तो भाई आप सभी लायबल हो गए क्योंकि उसका एटलीस्ट राइट तो वायलेट हो रहा है ना. तो 297 में आप सभी लायबल हो गए तो ये इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट अबाउट कि एक छोटा सा सेक्शन है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पास है और इतने केसेस हमने दो केसेस किए हैं और इतने सेक्शन मैंने ट्रैक्ट कर दिए 297 के लेके राइट ऑफ द डेड पर्सन द स्ट्रेट वे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन नंबर ऑफ टाइम्स
आ चुका है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेड पर्सन के कुछ राइट है या नहीं, तो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस सेक्शंस. उनको आपको पता होना चाहिए कि लाइक नेशनल जो हाईवे एक्ट है सेक्शन 8, मैंने आप यहाँ पर नहीं लिखा बट मैंने आपको बता दिया, वो भी ट्रैक होता है अगर आप नेशनल हाईवे को ब्लॉक करते हो, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. एट द एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज 298 ऑफ इंडियन पेनल कोड दैट डील विद द अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन. किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर पूरी क्लास ऑफ पर्सन की बात नहीं कर रहा जो पीछे 295 और 295A में लिखा गया है. 298 में वो लिखा गया है एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, अब कोई भी अब थ्रू अटरिंग वर्ड्स से लेके आपकी इंटेंशन है कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की रिलीजियस फीलिंग हर्ट कर दूंगा तो भाई आप लाइबल हो जाओगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ पर विद अ डेलिबरेट इंटेंशन, आपकी क्लियर कट इंटेंशन है, आपने वुंड करा था रिलीजियस फीलिंग को उस पर्सन की, इसलिए आपने कुछ बोला अटर एनी वर्ड्स या मेक एनी साउंड ताकि उसको सुन सके, सुना जा सके उसको, और उसके जेस्टर आपने ऐसा जेस्टर किया ताकि वो आपके जेस्टर से पता लग सके कि आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने वाले हो. तो आपकी जो पनिशमेंट है दैट इज 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है. 295A सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी रिलीजियस में कुछ रिलीजियस पॉइंट्स होते हैं हमारे, अगर आप उनको हर्ट करते हो तो डेफिनेटली यू आर लायबल अंडर सेक्शन 295A आल्सो. किसी की बियर्ड को हाथ लगाना सिख धर्म में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, पर अगर कोई पर्सन इंटेंशनली अगर उसकी बियर्ड को हाथ लगाता है तो डेफिनेटली 295A ट्रैक्ट होगा. बट द थिंग इज कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 295A हमने चार्ज हमने FIR रजिस्टर कर दी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने चार्जशीट दायर कर दी कोर्ट में 295A में, कोर्ट के कि इट इज अ वेस्ट ऑफ पेपर वेस्ट ऑफ टाइम, मैं इसका कॉग्निस ले नहीं सकती क्योंकि यहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन ही नहीं है, तो वापस भेज सकती है भाई इसको लेके आओ उसके बाद चार्जशीट दायर करो दोबारा. तो वो जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं डिफॉल्ट्स होते हैं हमारे चार्जशीट में उसकी भी बात कर रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, हमने जो डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग. इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इनकेस ऑफ एनी डाउट, एज आई सेड ऑलवेज कि भाई आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा. बट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि भाई जिसको आंसर पता है एटलीस्ट वो आंसर दे दिया करो. तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल.